वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, या मुझे बोल सक रोक ना हो। ये वो है या वो कुछ मैक उससे सर वो होगा छोड़ वहाँ चला वो ना इसमें जब शुरू करें तो बता दीजिएगा जब आप तैयार हो सुन रहे आप तैयार हो चले जी चले जी। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग तशरीफ़ लाए। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब चेयरमैन साहब बात कर लें तो सवालात के मौके के ऊपर प्लीज़ रेज़ योर हैंड्स, ताकि एक एक सबको मौका मिलेगा। लेकिन चार बंदे छः बंदे जब इकट्ठे बात करते हैं तो ना सवाल सुना जाता है ना ही फिर उसका जवाब दिया जा सकता है। तो बराए मेहरबानी थोड़ा सा ज़रा डिसिप्लिन कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया सर। ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोगों के आने का शुक्रिया। आज इतवार वाले दिन आपको मैं तीन चीज़ों से रिलेटेड अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ करूंगा। सबसे पहले तो ये कि जिस कदर खान साहब के ट्रायल को चलाया जा रहा है उस पर मैं कुछ गुफ्तगू करूंगा। दूसरा ये साइफर सर, साइफर के इलेक्शन कम्पेन शुरू है और इलेक्शन कम्पेन में जो हमें हर्डल्स आ रहे हैं और इसका जो हमारे राइट है उसको वायलेट किया जा रहा है उसके सिलसिले में मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। और साथ ही साथ आज आप लोगों के साथ एक एग्जेक्टिव समरी अपने मैनिफेस्टो का आपके साथ शेयर करूँगा कि जो हमारा मंशूर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसमें क्या कुछ चीज़ें इंक्लूडेड है। सबसे पहले मैं खान साहब के साइफर केस के हवाले से अर्ज़ करूँगा। खान साहब का ट्रायल दो मरतबा जिस तरीके से चल रहा था वो हाई कोर्ट ने कैटेगोरिकल अल्फाज में क्वाश किया था। वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर, वो तरीक़ेकार जो जज साहब ने अडॉप्ट किया था उसको हाई कोर्ट ने क्वाश करके स्पेसिफिक डायरेक्शन दे दी थी कि किस तरह उसमें प्रोसीड किया जाए। हमने इस किस्म के केस पहले से भुगता है, वो आप लोगों के सामने था तोशखाना। न उसमें हमें हक दिफा दिया गया था, न ही हमें अपने जो मुखालिफीन के एग्जामिनेशन इन चीफ थे उन पे प्रॉपर क्रॉस का मौका दिया गया था, नहीं वो कागजात जो हमारे बुनियादी हक से मुतालिक थे कि अगर ट्रायल होना है तो वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड ट्रिब्यूनल के सामने हो, न वो हमें वो राइट दिया गया था। अब साइफर के केस में बावजूद इसके कि कोर्ट ने स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए और एक से ज़्यादा मौक़ों पर दिए, उसके बावजूद जज साहब उसके परवाह किए बगैर प्रोसीड कर रहे हैं ट्रायल के साथ। ये आईन की आर्टिकल 10 और आईन के बुनियादी हकूक़ के मनापी है कि अगर आप किसी एक्यूज्ड को, ख़ासकर ऐसे जुर्म में जिनमें सज़ा सज़ाए मौत हो, अगर आप उसको उसके चॉइस का वकील नहीं देते, आप उनको प्रॉपर मौका नहीं देते अपने आप को डिफेंड करने का, आप उनको मौका नहीं देते क्रॉस एग्जामिनेशन का, आप उनको मौका नहीं देते कि वो वकील साहिबान को टाइम मिले जिसमें अपने आप को तैयार करके वो अक्यूज़ की प्रोटेक्शन करे। आपने देखा जज साहब ने बावजूद इसके कि हमारे एक से ज़्यादा ट्रायल चल रहे हैं जेल में जो हम समझते हैं कि वो सारे इलीगल हैं, ये सिर्फ साइफर का केस नहीं है जो जेल में चल रहा है, दो केसेस नेब के भी चलवा रहे हैं। एक जो आप लोगों ने कभी हिस्ट्री में नहीं सुना होगा वो है तौहीन इलेक्शन कमीशन,
ये पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ने अपनी हिस्ट्री कायम करते हुए ये केस बनवाया है। वो केस भी जेल में ही चल रहा है डेली बेसिस पे। सुबह 10 बजे से जब वकला आ चुके होते हैं तो 8 बजे से जज साहिबान पहुंचे हुए होते हैं, 8 से 4 बजे तक मुसलसल वो ट्रायल चल रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे वो ट्रायल कंप्लीट हो किए जा रहे हैं। इसमें जल्दी किस चीज़ की है? लेकिन साइपर के केस को स्पेसिफिकली जो मैं कह रहा हूँ कि खान साहब को द अदर डे वकला के होते हुए भी, उन वकला के बावजूद जज साहब को इतनी जल्दी पड़ी है कि जज साहब ने खान साहब के लिए लीगल प्लीडर और वकील अपॉइंट कर लिए। किसी अक्यूज के लिए उसकी मर्जी के खिलाफ वकील अपॉइंट करना आईन के खिलाफ वर्जी है। इसके सख्त अल्फाज में हम शदीद मुजम्मत करते हैं, हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं, हाई कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि यह आपकी आर्टिकल 203 में आपकी जिम्मेदारी है कि आपके ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कोई भी जज कोई भी ट्रायल चलाते हो आप उसके सुपरवाइजर ज्यूरिसडिक्शन में एक्सरसाइज करते हुए उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। ये ऑन कॉल फॉर है कि आज जज साहब खुद किसी एक्यूज के लिए वकील अपॉइंट कर ले। और इस मरतबा जो वकला अपॉइंट हुए हैं वो वकला वो अपॉइंट कर लिए हैं जो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश हो चुके हैं। ये आईन के नहीं, ये कानून के नहीं, ये तो एक आम लॉजिक और पंचायत में कभी ऐसा नहीं होता। और इतना बड़ा केस जो उसमें आप सजाए मौत की तरफ लेके जा रहे हैं, इसकी इसलिए इस तरीक़ेकार को हम इंसानी बुनियादों की भी खिलाफ वर्जी समझते हैं। मैं इन सब से एक दरख्वास्त करूँगा, वो खान साहब ने बड़े सख्त अल्फाज में इस बात का जिक्र किया था और कुरान की आयत का इनके लिए मंसूब करते हुए कहा था कि अल्लाह का भी फरमान है कि किसी की दुश्मनी आपको इस बात पे मजबूर ना कर दे कि आप अदल ना करो, अदल करो ये तकवा के करीब है। हम आईनी जिम्मेदारियाँ हदरिया को रिमाइंड कराते हुए उनसे पुरजोर मुतालबा करते हैं कि अदलिया पहले से कि हम खुद कोर्ट जाएं, हम देखते हैं अदलिया ऐसे सरकमस्टांसिस में क्या इकदाम करती है। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन करने का अमीन और आईनी जिम्मेदारी सबसे पहले आईन ने अदलिया के कंधों पर डाला है। हम आगे दिनों में देखेंगे कल में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या इकदाम कर रहे हैं। आज इस ट्रेंस के नोटिस शार्ट नोटिस पे मैं उनकी तवज्जो मबजूल करवा रहा हूँ और उनसे आईनी और कानूनी मुतालबा हम करते हैं बाज़ाबता तौर पर कि इसमें आप इंटरवीन कर लें। इसके साथ साथ मैं इस बात पे तवज्जो दिलाता हूँ, इलेक्शन शुरू हुए, इलेक्शन का प्रोसेस जब शुरू होने वाला था तो हम बार बार अदालतों के सामने आए, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, दो हुकूमतें ख़त्म हो गई थी, 90 डेज में इलेक्शन मांग रहे थे, वो फॉर वन रीज़न द अदर डिले होते गए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से सदर और इलेक्शन कमीशन के दस्तखतों से 8 की तारीख तय हो गई। हमारी दरख्वास्त थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड करे, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी है और इसकी सारी पॉपुलरिटी है। ये सिर्फ ये नहीं है कि पार्टी कितनी पॉपुलर है, ये अवाम की बुनियादी हकूक़ का हिस्सा है कि वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल हो। वो हर जगह हर रुख पे हमें रोका गया और हमें वो रिफ्यूज़ किया गया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या फील्ड ही नहीं दी गई, हमसे बल्ला लिया गया, हमारे प्रपोजल सेकेंडर रोके गए, हमारे नामिनेशन फॉर्म रिजेक्ट किए गए टेक्निकल बुनियादों पे। लेकिन कंपेन में हिस्सा लेना तो हमारा हक है और कंपेन में पार्टिसिपेट करना भी हमारा हक है। हम दरख्वास्त देते हैं तो हमें इजाज़त नहीं मिलती। मैं कल शाम को बुनेर से वापस आया हूँ जहाँ मैं इन-एटन में पार्टिसिपेट कर रहा था। हमने 5 कन्वेंशन ही कर दी, वो सारे क्लोज इंडोर जगहों में कर ली क्योंकि हमारे पास एनओसी नहीं थी। और सारी जगहों पे जहाँ हमारे कैंडिडेट्स रैली करना चाहते हैं वहाँ उनकी इजाज़त नहीं है। आज के लिए खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सारे उम्मीदवारान को ये डायरेक्शन दी थी खान साहब की तरफ से कि वो आज के दिन कानून के मुताबिक रैलीज निकालें। मैंने वॉइस मैसेज भी उनको खान साहब की डायरेक्शन पहुंचाई
कि आपका जो भी रैली हो वो पुरअमन तरीके से हो, आपके पास अपने मुल्क के झंडे हो, आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा हो, आप पुरअमन निकलें, अपने रास्ते पे चलते हुए रैली निकालें, हवाम में अपने निशानात इंट्रोड्यूस करवाएं। आपने देखा 80 साल साबिक गवर्नर साहब मियाँ आज़र साहब को भी अरेस्ट किया गया। ऐसे तरीक़ेकार आईन कानून की सरासर खिलाफ वर्जी है, ये अवाम का रास्ता रोकने के मुतरादिप है। अगर हर रोज़ आप अवाम के रास्ते रोकेंगे तो हम 8 तारीख के बारे में क्या प्रिडिक्ट करें। मेरी इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है कि आपने ही कोड ऑफ कंडक्ट मुतारिब करवाया था, हमने आपसे मिले थे, आपने हमें यकीन दहानी कराई थी, आपने बंद कमरे में भी यकीन दहानी कराई थी, आपने ओपन हॉल में सारे पॉलिटिकल पार्टी के सामने यकीन दहानी करवाई थी कि इलेक्शन के शेड्यूल आने के बाद सबको बराबर और मसावी का सलूक मिलेगा। और उस बराबर और मसावी सलूक सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, हर कैंडिडेट का है। हमारे कैंडिडेटों को आज अपने इंतखाबी निशानात इंट्रोड्यूस कराने में क्यों ये दिक्कतें पेश आई, उनमें क्यों ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। हम इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबता तौर पर मुतालबा करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, मेक श्योर करें हमें आइंदा ये ना हो। लेकिन जो आज हमें रोका गया और हमारे उस रास्ते में एक रुकावटें डाली गई, ये हम समझते हैं आईन और क़ानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसके बाद मैं इसके आपके क्वेश्चंस इस पॉइंटों पे ले लूँ, मैं आपके साथ अपने मैनिफेस्टो शेयर करूँगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये खुशी का दिन होता है कि वो आपके साथ अपना इंतखाबी मंशूर शेयर करे। मैं ये अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि मैं खुशी के साथ तो बैठा हूँ रऊफ साहब के साथ और रिजवान साहब के साथ, अपने सारे दोस्तों के साथ, लेकिन जिस टीम ने बड़ी मेहनत के साथ 6 महीने काम करते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार किया, उसके मेजॉरिटी मेंबरान साहिबात जो हालात बने हुए हैं आपके सामने हैं उनके पेश नज़र वो मेरे साथ आज नहीं बैठ सकते हैं। हम आपको इज्तिमाही तौर पर वो नहीं डिस्प्ले कर सकते हैं जो है, ये हम समझते हैं कि ये इट्सेल्फ आईन और क़ानूनी खिलाफ वर्जी है। हमें अगर मैनिफेस्टो डिस्प्ले करने में दुश्वारियाँ आ रही हैं तो इससे आप अंदाज़ा करें कि कितनी कोशिश की जा रही है एक पार्टी को इंटायर प्रोसेस से आउट करने के लिए और उनके सपोर्टर और वोटर और कैंडिडेट्स को। लेकिन बहरहाल हमें न सिर्फ ये दावा है बल्कि आपने देखा है ग्राउंड रियलिटी भी है, आपके सर्वे में भी है, आपके पास हर वक्त कैमरा होता है, आप इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप जाते हैं गली कूचों में, आपका आवाम से वास्ता पड़ता है। हमारी मोर देन 70% पॉपुलरिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे कैंडिडेट आल्दो आज़ाद निशानात से लड़ रहे हैं लेकिन हमारे उम्मीदवार आज़ाद नहीं हैं, वो अपने पार्टी से एफिलिएटेड हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। इसलिए हमने अवाम की खातिर अपने मैनिफेस्टो जो बनाया है उसके मेन पॉइंट्स का मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले हमारा ये है, ये एक एक मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे जो हेडलाइंस है उसके हिसाब से सबसे पहले हम ये कह रहे हैं, शानदार पाकिस्तान, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। इस स्लोगन के तहत शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा, शानदार मुस्तकबिल और ख़राब माजी से छुटकारा। सोसाइटी ने जो अप एंड डाउन से देखे हैं, जितने लोगों को मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारते हुए जिस तरीके से इनजस्टिस का सामना करना पड़ा, इसलिए अवामी आवाज़ का तकाजा है कि एक ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पावर में आती है और इंशाल्लाह आएगी तो हम ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे जो इन सारी बातों के तह तक इंशाल्लाह ताला जाएगा। हर सोसाइटी में इनजस्टिस का तदारुक होना चाहिए, हर सोसाइटी में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। अवाम, मुल्क
जमहूरियत इस मुल्क की इकानमी की खातिर हमने आगे बढ़ना है, इसलिए हम ये कहेंगे कि जस्टिस और इक्वल के लिए हम ये एक कमीशन बनाएंगे जिसके की कंसर्न जितने भी डिस्पैरिटीज़ है उनको एड्रेस किया जाए। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा वो ये, और हमारा स्लोगन एक है, एक कौम एक जैसे कानून सब होंगे बराबर, एक कौम एक जैसे कानून सब होंगे बराबर। हमने हमेशा से कहा है, खान साहब का विज़न यही है रियासत मदीना, और मिशन वही यही है कि रूल अप लाओ, विज़न यही है कि सब कानून के हमने बराबर हो। एक मुल्क में दो कानून नहीं हो सकते, एक गरीब के लिए एक अमीर के लिए, और एक कानून से बचे उसके लिए रास्ते बनाए जाएं और दूसरा कानून की गिरफ्त में आ जाए और उसको प्रोटेक्शन की फैसिलिटीज़ भी ना हो। इसलिए उससे बचने के लिए हम ये चाहते हैं कि हम रूल ऑफ लॉ पे ज़्यादा ज़ोर दें, और मैं एज ए बैरिस्टर की हैसियत से आपको कहता हूँ कि रूल ऑफ लॉ पूरे दुनिया का बुनियादी हकूक है। एक मरतबा एक जज एड्रेस कर रहा था और उसने अपने मुल्क के एक सबसे बड़ी क्वालिटी बयान की कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है, तो उसने उसकी मिसाल ये दी कि रूल ऑफ लॉ वही है जिसमें चेक एंड बैलेंसेस हो, सारे तीन अर्गन्स के एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंसेस हो, किसी एक फर्द में किसी एक इंस्टीट्यूशन में सारा पावर मरकूज ना हो। इसलिए अगर सब अपने अपने दायरे में रहते हुए अपने कानूनी फराइज अंजाम दे तो तब होगा एक ही कानून और तब होगा सब के लिए एक जैसा मुल्क। इसलिए इसकी तरफ हमने स्टेप दिए हैं, वो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। अभी आपके साथ इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ इसकी एग्जेक्टिव समरी रेफ़र करेंगे, मेरे पास उसकी कॉपी भी मौजूद है, ये भी आपके सामने इंशाल्लाह ताला शेयर करेंगे। ये 168 पेज की है, इंशाल्लाह ताला 168 पेज का जो हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो है, याद रख के हम हमेशा कहते हैं कि हम इन सब से डिफरेंट हैं। इंशाल्लाह आप ये पढ़ेंगे तो आवाम को भी पता चल जाएगा कि खान साहब का विज़न, खान साहब की पार्टी, खान साहब पाकिस्तान के लिए जो दर्द है वो बाकी सबसे डिफरेंट है। इंशाल्लाह ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं आपके तीसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, हमारा विजन क्या है पाकिस्तान के लिए, और हमारा आवाज यही है उसके लिए, रियासत मदीने में मदीने वाले जैसा इंसाफ, बराए नाम कवानीन नहीं, उस पर अमलदारी लाजम है। हमारे कुछ कवानीन फरसूदा हो चुके हैं, चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर है, चाहे वो सिविल प्रोसीजर है, चाहे वो पाकिस्तान पीनल कोड है। अदालतों में लोग जाते हैं, अदालतों में लोग फंस जाते हैं, या वो एक्सपेंसिव भी बहुत है, या लेंथी बहुत है, या कॉम्प्लिकेटेड बहुत है। ख़ासकर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब अदालतों में आप जाएं, तो कहते हैं एप्लीकेशन फाइल करो, बायोमेट्रिक्स नहीं हुए, एफिडेविट नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बरक्स जो लोग आपको अरेस्ट करते हैं, एक गाड़ी से अडियाला में आपको निकाल देते हैं, दूसरा कड़ा कहते हैं दूसरे में आ जाओ आप किसी और में अरेस्टेड है। इनके रोकथाम के लिए, अवाम की बुनियादी हकूक़ की तहफ़ुज़ के लिए हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसमें सारे इख्तियारात मौजूद हैं, हम उसमें इंशाल्लाह ताला बहुत रिफॉर्म लेके आएंगे ताकि अवाम की बुनियादी हकूक मुतासर ना हो और उनकी प्रोटेक्शन हो, मुजरिम कानून से ना बचे, लेकिन कमज़ोर और बेगुनाह कानून की टेक्निकलिटी की गिरफ्त से भी बचे। इसकी तरफ हम इंशाल्लाह ताला ज़्यादातर लीगल रिफॉर्म्स वो हम आपके साथ अभी शेयर करेंगे, ये हम प्रॉपरली एड्रेस करेंगे, और इसमें जो प्रोसीजर तरीक़ेकार हमने लेके आना है, अरेस्ट का भी तरीक़ेकार, ट्रायल का शुरू होना जिस तरीके से हमने समझा और आम पिस्तु जिस तरीके से गुजरा है दो सालों में, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हम जनरल पब्लिक के लिए इंशाल्लाह ताला इसको लेके आएंगे। अब मैं आपके साथ चौथा हुकूमत रिलेटेड विजन शेयर करूँगा। नया पाकिस्तान और नया तब्दीली का निज़ाम, नया पाकिस्तान और नई तब्दीली का निज़ाम,
आपको ये पता है कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली मर्तबा जब हम पावर में आएंगे, इंशाल्लाह ताला हम आईनी तरामीम इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमारी आईनी तरमीम में एक शिकिये शामिल होगी कि हम आइंदा इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्टली अवाम से कराएंगे। अब वज़ीर आज़म डायरेक्टली अवाम की मर्ज़ी से मुंतखब होके आएगा। वज़ीर आज़म का इंतखाब सिर्फ चुने हुए एमएनएस की इंतखाब के वोट पे मुनहसर नहीं होगा। तो हम रिवोल्यूशनाइज़ करें इस प्रोसेस को, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो हम रिफॉर्म्स लेके आएंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के रिफॉर्म में एक तब्दीली ये होगी कि वज़ीर आज़म आइंदा डायरेक्टली अवाम से मुंतखब होके आएगा। साथ ही साथ हम असम्बली की मुद्दत जो 5 साल की है, हम इसको कम करके 4 साल करेंगे। 5 साल की मुद्दत इस कौम को कोई ज़्यादा ही लगती है इसलिए कि पहले ऐसे कि कोई लोग शुरू करे और आपके खिलाफ, इसलिए हम इसको मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के मुताबिक करते हुए असम्बली की मुद्दत हम 5 से 4 साल पे लेके आएंगे। इसी तरह सेनेट की मुद्दत जो 6 साल है इस वक्त, इसको कम करके हम 5 साल के लिए करेंगे। और साथ ही साथ हम सेनेट में भी रिफॉर्म लेके आने वाले हैं, इंशाल्लाह अवाम की हमदर्दी और सपोर्ट के साथ, वोट के साथ। अगर अल्लाह सुबहान तआला ने मौका दिया तो हम सेनेट को भी रिफॉर्म करेंगे, हम 50% सेनेट को डायरेक्टली इलेक्ट करवा लेंगे। आपने देखा है इंडिया में भी कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहां कुछ सेनेटर डायरेक्टली मुंतखब होते हैं और कुछ सेनेटर थ्रू, हम जिस तरीके हमारा प्रोसेस है, MAMPAs उनको वोट देते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा है हर मर्तबा सेनेट के प्रोसेस में करप्शन की एक दास्तान आ जाती है, अगर 50% हम उनको इलेक्ट कर ले और 50% हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करवा लें MPA से, तो इसमें किसी सूरत का पैसे का नहीं होगा। ये वही पाकिस्तान है जिनका ख्वाब हमेशा से खान साहब ने देखा है, वो ये कहते हैं करप्शन से पाक पाकिस्तान हो। इसी तरह इंशाल्लाह ताला इसकी बुनियाद होगी, हम उनको भी आज़ाद तरीके से मुंतखब करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब आपके साथ माशी की इकानमी के बारे में जो हमारा 5th स्लोगन है वो ये है, तेज़ होगा माशी पहिया तरक्की करेगा पाकिस्तान। इकानमी में हमने बड़े सारे रिफॉर्म लेके आने, वो शॉर्ट टर्म्स में भी होंगे, लॉन्ग टर्म्स भी होंगे। इकानमी जब तक इम्प्रूव नहीं करेगी, पाकिस्तान तरक्की के राह पे गामजम नहीं हो सकता। उनके लिए स्टेबल गवर्नमेंट, सख्त डिसीजंस, रूल ऑफ लॉ और कंसिस्टेंसी चाहिए। हम चाहते हैं अगर स्टेबल गवर्नमेंट हो और पॉपुलर सपोर्ट के साथ हो तो हम स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट इकानमी की तरफ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड हम स्ट्रिक्ट मेजर ले लें। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हमने इकानमी को आगे अगर बढ़ाना है तो हमने रिफॉर्म्स लेके आने स्ट्रक्चर, हमने स्टेट बैंक को भी इंडिपेंडेंट करना है और हमने स्कीमें तरक्की के लिए और आवाम को फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए इंट्रोड्यूस कराने हैं। हमने 5 साल का पहली गो में हमने 5 साल का एजेंडा इंशाल्लाह ताला देना है और इसके लिए हमने सबसे पहले अपने टैक्स स्कीम को भी रिफॉर्म करना है। हमने इसका नेट बढ़ा देना है। वो लोग, वो इंस्टीट्यूशंस, वो चीज़ें जो टैक्स के ज़ुमरे में नहीं आ रही, इस पर जिस पे टैक्स नहीं है, हमने उनको बढ़ा देना है। लेकिन अवाम और सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर इतनी टैक्स भी नहीं दे सकती, इसलिए वो टैक्स ब्रैकेट हमने रिड्यूस करने। तो इंशाल्लाह ताला इसकी वजह से हम आपके साथ इसका डिटेल वजन है, जो नए पाकिस्तान का एक विजन है, ये हम आपके साथ अभी आज ही शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। कर दिया सर, इनको भिजवा दिया जी, ये जो भेज दिया ऑलरेडी। इसके साथ साथ जिस तरीके से आन गोइंग पाकिस्तान के
स्ट्रगल में आने वाली रुकावटें, वो है जिसके लिए हमने रास्ता लिखा है पाकिस्तान तरक्की के राह पर। उसके लिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाएं और इंडस्ट्री सेक्टर्स में हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव दे करके उनको करें। साथ साथ हम जो विजन लेके आ रहे हैं वो ये है, कर्ज कम करो आमदन बढ़ाओ। ये भी हमारे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स का एक हिस्सा है। जब तक ऑस्टेरिटी प्लान नहीं आएगा, जब तक गवर्नमेंट अपने मींस के अंदर नहीं रहेगी, जब तक गवर्नमेंट कभी दुनिया में बिजनेस नहीं किया करती, सारे ज़्यादातर चीज़ें आप प्राइवेट सेक्टरों में देते हैं। जहाँ जहाँ प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है वो हम जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करेंगे, और जहाँ प्राइवेटाइजेशन की नहीं तो हमने हुकूमत की जितनी भी आमदन है उनको बढ़ाने की मद में हमने कोशिश करनी है। ऑस्टेरिटी प्लान पूरे गवर्नमेंट पर लाजिम होगा ताकि वो अपने कम से कम तर जो बोझ है वो अपने आमदन को बढ़ाएं और अपने कर्ज पे जो हमारा इन्हिसार रहा है हम उनको कम से कम तर कर दें। साथ ही साथ हम एग्रीकल्चर, चूँकि पाकिस्तान में 70% लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इस मरतबा हम किसान के लिए लेके आएंगे और किसान के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए हमारा स्लोगन है, किसान बदलेगा पाकिस्तान, ये हमारा स्लोगन है। हमने उनके लिए फैसिलिटीज़ देनी है, हमने उनको सब्सिडी जो जनरल सब्सिडी है उसको सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, स्पेसिफिक सब्सिडी देंगे ताकि ओवरऑल सेक्टरों को जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो हम उनको सब्सिडी दे के उनको अपने पाँव पर वो सेक्टर्स खड़ा कर सके। अब हम इन्वायरमेंट की तरफ भी जाएंगे। इन्वायरमेंट भी के लिए हमारा जो स्लोगन है वो है हरा भरा और खुशहाल पाकिस्तान। पाकिस्तान की कमिटमेंट भी है इंटरनेशनल वर्ल्ड से। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव पहली हुकूमत ले चुकी थी, जो हमारी हुकूमत जो कंस्पेरेसी के ज़रिए से हटाई गई थी उसमें जो हमारे स्कीम्स चल रहे थे इन्वायरमेंट की, इंशाल्लाह हम उनको रीइंट्रोड्यूस कराएंगे। हम सबसे पहले थर्मल पोल्यूटिंग इम्पोर्टेड फ्यूल्स जो है उन पे इन्हिसार कम करेंगे। हम कोशिश करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी पे जाएं। उसके साथ जो हमारे विजन्स में इंक्लूड है वो हम आपको इसके साथ शेयर करेंगे। साथ सेहत से रिलेटेड हम आपको दो तीन चीज़ें बता रहे हैं, और हमारा स्लोगन है सेहतमंद खुशहाल अवाम जिए पाकिस्तान। सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, इंशाल्लाह एक यूनिवर्सल एक्सेस भी साथ पर इंट्रोड्यूस कराएंगे। सोशल सेक्टर को रिफॉर्म करेंगे, सेहत कार्ड की सहूलत हर जगह पहुंचाएंगे, इसको मज़ीद बढ़ाएंगे, इसमें मज़ीद कवरेज देंगे और इसको मज़ीद लोगों तक पहुंचाएंगे। ये हमारा सेहत से रिलेटेड है, आपके साथ डिटेल हम शेयर करेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ सर्विसेज के लिए हम आपके पास ये सारा डेट देंगे। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो फिर बाद में तो मैं उससे लूँगा, लेकिन ये मैं आपको बड़े बड़े उसके पॉइंट बता रहा हूँ। एजुकेशन भी किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा आंसर है। कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता अगर उसमें एजुकेशन आप आगे ना बढ़ा सके, इसलिए हमने उसके लिए स्लोगन लिखा है पढ़ा लिखा पाकिस्तान बनेगा हुनरमंद पाकिस्तान। इसके लिए हमने एजुकेशन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेके आए, और इंशाअल्लाह ताला अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी तो वो जो एजुकेशन रिफॉर्म छोड़ के गए थे वो एजुकेशन रिफॉर्म लेके आएंगे। उसमें से एक ये कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का आपस में बहुत बड़ा एक लिंक है। एजुकेशन होगा तो नौकरी मिलेगी, हुनर होगा तो नौकरी मिलेगी, टैलेंट और स्किल बेस पर है, लेकिन जॉब्स जो क्रिएशन है वो प्राइवेट सेक्टर करती है। इसलिए हमने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके सबके लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम एक जैसा लेके आना है, जिसमें तबकियाती किस्म की एजुकेशन ना हो बल वन सिस्टम फॉर ऑल, इसकी ये हमारा स्लोगन होगा। पाकिस्तान की आबादी से भी हम विजिलेंट टू दिस पार्टी, इसलिए खान साहब के विजन के मुताबिक हमने बड़ा फोकस करना है अपने मैनिफेस्टो में कि छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, ये हमारा स्लोगन होगा। छोटा ख़ानदान खुशहाल पाकिस्तान, हमने वंस अगेन अपनी तवज्जो देनी है ताकि जितनी ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन की उन पे कंट्रोल हो सके, और पॉपुलेशन से लिए जैसे भी
हम बढ़ा सकते हैं इसकी आबादी पे कंट्रोल करें, वो हम नए इंसेंटिव्स को लेके लेके आ रहे ताकि हम उसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकें। साथ ही साथ हमने पाकिस्तान के जो यूथ है उसकी प्रॉस्पेरिटी में उन्होंने एक हिस्सा डालना है, इसके लिए हमारा स्लोगन है मजबूत जवान खुशहाल पाकिस्तान। यूथ की जो वैल्यू है, उनकी एजुकेशन, उसकी पॉलिटिक में पार्टिसिपेशन, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनकी अपने मुल्क के तरक्की में उनका इन्हिसार, इसके लिए हमने बड़े सारे इंसेंटिव्स रखे हैं और आपके साथ शेयर करेंगे। उनके रोल भी मुतय्यन किया हुआ है इंशाल्लाह ताला, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे विजन का सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट जुज़ है। हम आपको साथ साथ ये भी बताएं कि सारे लोग जैसे भी समझते हैं, लेकिन हम एक स्लोगन लेके आ रहे हैं और वो स्लोगन ये है, कोई न समझे अपने आप को कमज़ोर, ये है हमारा पाकिस्तान। कोई न समझे अपने आप को कमज़ोर, ये है हमारा पाकिस्तान। इसके लिए हम जो सोशल सेक्टर है, जो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस राइज है कि आप सोशल सिक्योरिटी की तरफ जाएं, वो लोग जो अपने प्राइवेट सेक्टरों में हैं पर उनकी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उसके मद में हम लेके जा रहे हैं। और इसके एक मेजर पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, इंशाल्लाह अगर हमें ये पावर मिला और हम गवर्नमेंट में आए तो हम जीडीपी का 1% जो इस वक्त स्पेंड हो रहा है, हम इंशाल्लाह सोशल सेक्टर पे 1% जीडीपी से बढ़ा के हम 3% जीडीपी पे इंशाल्लाह ताला लेके जाएंगे, ताकि ये सोशल जो महरूमी है ये ख़त्म हो जाए। हम एहसास प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, जिस तरीके से बाकी इसके साथ अटैच प्रोग्राम है उसमें हम जीडीपी को 1% से बढ़ा के 7% तक 3% तक इंशाल्लाह ताला इसको लेके आएंगे। साथ मैं आपको दो आखिरी चीज़ें, एक हमारा स्लोगन यही है, नया ख्वाब नई राहें तेज़ करो तरक्की का सफ़र। इसके लिए हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना है और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सारे उन इश्यूज़ को जिससे बिजनेस बढ़ता है, जिससे तरक्की का सफ़र आसान हो जाता है, हमने उनको बढ़ाना है। उनकी डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनमें से एक ये भी है कि अगर आप तरक्की मुल्क में करना चाहते हैं तो टू थिंग्स कैन नॉट गो साइड बाई साइड। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। आप हज़ार बार कहें मैंने सर्कुलर डेट ख़त्म किया, जो सर्कुलर डेट आप ख़त्म करेंगे उनमें भी करप्शन और कमीशन होगी। अगर आप सिविल, अगर आप लोकल गवर्नमेंट की तरफ भी जाएंगे वहाँ भी करप्शन हो तो आपकी आधे से ज़्यादा पैसा करप्शन की नज़र होगा और काम कोई भी नहीं होगा। वो सब से ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें करप्शन पर बड़ी नज़र, सख्त नज़र हो। तो जो इंस्टीट्यूशन इसके ख़िलाफ़ है, जो अदारे बने हुए हैं जो करप्शन की प्रॉपर रोकथाम करने में, हम उनको मज़ीद फ़ाल करेंगे। और इसको रास्ते के लिए हम कहेंगे सारे कि तरक्की के सफ़र में इसका रोकना ज़रूरी है, ताकि करप्शन पे काबू पाया जा सके। जिन लोगों को आसान तरीक़ेकार प्रोवाइड करना है उनके प्रोसेस में आसानी हो। और इसके साथ साथ हमने जो नया उसके साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन पे हमने ज़्यादा तवज्जो देनी है। अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपकी ट्रांसपोर्टेशन के इशूज़ हैं तो आप इसकी तरक्की नहीं कर सकते। आखिर में मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी के बारे में कहूँगा। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, हमें किसी मुल्क के साथ भी अच्छे ताल्लुकात इस्तेमाल करने के ख्वाहिशें हैं, ख़ासकर हमारे पड़ोसी ममालिक के साथ। पाकिस्तान की सारी दुनिया के ममालिक के साथ हमारा खान साहब के विज़न के मुताबिक बराबरी के बुनियादों पे ताल्लुकात इस्तेवार होंगे सारी दुनिया के सारे ममालिक के साथ, वो जो पाकिस्तान में रिकग्नाइज्ड है हमारे उनके साथ। वो हम कहते हैं कि उसके लिए सबसे पहला प्रिंसिपल ये है, पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की शख्सियत और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में ना मुदाखलत, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी के महवर होंगे। और इसी के गिर्द इंशाल्लाह ताला हमने हिस्ट्री से सबक लेते हुए पीसफुल और कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी अपनाते हुए हम इंशाल्लाह ताला इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। 1% एट ए टाइम प्लीज। आप जी तो ये बता दें कि
नहीं आपके किस वजह से बना आपसे बात हुआ है इतना पार्टी इलेक्शन के फॉर्ड है तो जो प्रेस वापस ले पार्टी है वो इलेक्शन के लिए चले गए हैं हम दोबारा इलेक्शन करवाने जा रहे हैं आप लोग इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में क्यों रात नहीं कर रहे कि हम भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं ऐसे कोई आपने प्रोजेक्ट दी है क्या आप भी इस हवाले से भी ऐसा नहीं देखिए हम हेल्थ फैसिलिटीज़ का हमने स्पेसिफिकली ज़िक्र किया कि ये तो अमीर जितने भी है वो तो बाहर जा सकते हैं हम चाहते हैं कि हमारी सारी जो आवाम है उनको सहूलियात अपने मुल्क में ही मिले जहाँ तक लेट आने का ताल्लुक है तो हमने सबसे पहले बनाया था खान साहब के साथ भी उन पर डायरेक्शन ली थी लेकिन जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया आई विश हमारे पास भी वो फैसिलिटीज़ मौजूद होती तो आज हमारी पूरी इकोनॉमिक टीम आपके साथ होती और हम छोटे छोटे जो स्लाइड्स है उनके उसके थ्रू हम आपको सारा एक्सप्लेन करते मैंने आपको कहा और पहले भी मैं कह रहा था लेकिन एक हफ्ता हो गया मेरा मैं भी गया हुआ था बुनेर अपने कंस्टिट्यूएंसी में वहाँ भी कुछ कंपेन करनी थी कुछ जगहों पर जाना था तो वहाँ से फिर आ नहीं सका कल ही रात को वापस आया हूँ लेकिन हमने डिले इस बात पर नहीं किया कि इनकी वजह से हमारा तो थ्रो आउट विजन इन लोगों से डिफरेंट है वो जहाँ तक आपके इलेक्शन कमीशन के संभल का ताल्लुक है इंशाल्लाह इस पे ज़ेर बात करेंगे हम इलेक्शन करवाएंगे इंशाल्लाह ताला जल्द करवाएंगे इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन पर हम समझते हैं कि वो जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का वो आईन और कानून के मुताबिक उसमें सुकम है रिव्यू भी साथ फाइल करेंगे सर जहाँ तक आर्म फोर्सेस का ताल्लुक है देखिए मंशूरों में उनका जिक्र नहीं हुआ करता लेकिन खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है बड़ा क्लियरली एनान एनाब हमने उसका तस्करा भी किया है पाकिस्तान हमारा है फौज हमारी है हम उनको कदर की निगाह से देखते हैं उनकी सेक्रीफाइसेस को एक्नॉलेज करते हैं और उसमें अपने आईनी इख्तियार में रहते हुए सिर्फ एक इदारा नहीं हम सबको कहते हैं चाहे वो एग्जीक्यूटिव है चाहे वो जुडिशरी है चाहे वो लेजिस्लेचर है अपने अपने आईनी इख्तियार के अंदर रहते हुए परफॉर्म कर लें देखिए जहाँ तक टिकटों का ताल्लुक है हमने कमेटियाँ बनवाई थी फैसले हो चुके थे हमारे 859 सीट से आपको वाहिद पाकिस्तान तरीके इंसाफ मिलेगी कि आउट ऑफ 859 फुल कंस्टिट्यूएंसी पे हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं 815 कंस्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसमें कहीं भी कोई इख्तलाफ नहीं है आपको इख्तलाफ नहीं मिलेगा बलूचिस्तान में आपको नहीं मिलेगा KPK में आपको नहीं मिलेगा सिंध में पंजाब की हमारे तरफ से 30 सीटें थी जिसमें से हमने री एडजस्टमेंट करनी थी क्योंकि कुछ वकीलों के रिजर्वेशंस थी कुछ हमारे जो तंजीमी लोग थे वो आपस में कर रहे थे तो नथिंग कहीं भी ऐसा नहीं है जिनकी वो रिजर्वेशन है वो हमने सारे एड्रेस कि PTI की लीगल टीम के हवाले से भी ये बयानात सामने आ रहे हैं कि साइफर के केस से उनके गुब्बारे से हवा निकल गई है और जज साहब कह रहे हैं कि 3 दिनों से आपके वकील नहीं पेश हो रहे सर उनको सजाई मौत हो सकती है देखिए जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो कहीं भी दुनिया के किसी कानून में नहीं लिखा कि आप डे टू डे ट्रायल करें अगर आप एक ट्रायल चला रहे हैं जिसमें सजाए मौत हो सकती है और अगर आप एक ट्रायल चला रहे हैं इतने सख्त कंडीशन में कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ ये मेरे पास एक आम पेड है ये पेंसिल है ये रिमार्केबल का इसका ये ऊपर टॉप देख रहे हैं जिससे मैं सिर्फ इसकी इरेज करता हूँ इसको अडियाला जेल में तोड़ा गया था कि इसके अंदर कुछ है तो नहीं और मैं जब जा रहा था तो मुझे भी कहा गया कि आपको सादा कागज़ हम उधर ही दे देंगे और हम जाते हैं तो 1 घंटे 45 मिनट के बाद हमारी अपनी किताबें आ जाती हैं और ये बार बार हम कोर्ट के सामने लेके आए हैं जैसे ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें आप लोग जाएं ना जी ये आप में से 2-3-4 मलिक साहब बैठे हैं ये आप लोग तो मौजूद थे वहाँ पर किस किस्म के सरकमस्टांसिस में हो रहा है तो हम ये कहते हैं यही तो हमने मंशूर में डाला कि एक मुल्क एक दस्तूर एक कानून एक के लिए एक दूसरे के लिए दूसरों हम नहीं एक्सेप्ट करते इस बात को कि हमारे राइट्स के मुताबिक हमारे साथ सलूक किया जा रहा है बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से वो ट्रायल प्रोसीड किया जा रहा है
हमारे जितने कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे, उनके साथ एफिलिएशन हमारी पार्टी के साथ है, वो अरसा दराज से हमारी पार्टी के साथ ही रहे, हमारे आज़ाद निशानात पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे खुद अपना जो निशान अलाट हुआ अचानक, वो 9 बजे अलाट हुआ था, उससे पहले मुझे खबर आई कि 9 बजे अलाट हुआ, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो 11 बजे आया था। तो इसलिए फैसले आने से पहले पहले हमें निशानात अलाट कर दिए गए थे। अब वो आज़ाद ज़रूर होंगे, आज़ाद निशानातों पे हैं, लेकिन वो उनकी पार्टी के साथ बड़ी लॉयल्टी है, सख्त वक्त में खड़े हैं, सख्त वक्त में खड़े। इंशाल्लाह ताला हमारे सारे के सारे कैंडिडेट हमारे साथ रहेंगे, है और रहेंगे इंशाल्लाह ताला। देखिए दो चीज़ एक 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 सवाल ले रहे थे, इसका मैं ले रहे थे। देखिए जहाँ तक आपने जुडिशरी की बात की है, यस हमने अदलिया पे ही एतमाद करना है और कानून के इदारे और आइन के इदारे में रहते हुए ही अदलिया के पास जाना है रिलीफ के लिए, यही कानूनी तरीक़ेकार है। हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं, बार बार ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी तो उनको हमारी आवाज़ जो है ना जिस अंदाज से हम सुनवाना चाह रहे हैं उनको भी कभी सुनाई दे, इसलिए। लेकिन हमें अदलिया भी टफ सर्कमस्टांसेस में काम कर रही है, यही रीज़न है मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, हम जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स में हम जिस तरीके से लेके आ रहे हैं वो मैंने तस्करे किया, वो जुडिशल रिफॉर्म लाने का जो सबसे बड़ा है, जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, जो आईनी तरीक़ाकार दिया ला रहे हैं उसमें हम अमेंडमेंट करेंगे इंशाल्लाह, आईनी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, और जो जजेस है उनके लिए टेनेवर का भी हम उसकी फिक्सेशन की भी बात करेंगे, और जजेस की जो अपॉइंटमेंट है सिविल जजेस की, डिस्ट्रिक्ट जजेस की, उसका भी रिफॉर्म हम लेके आ रहे हैं। देखिए नौजवानों के लिए हमने उनकी स्कीम प्रो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपके साथ हम पूरी तफसील शेयर करेंगे, 168 पेज पे ममनू है, और आपको पसंद आएगा और आपको वो डिफरेंट डिफ्रेंशिएट कर जाएगा कि बाकी पार्टियों में वो नहीं है जो हमने उनके लिए लेके आए। हम चाहते हैं यही रीढ़ की हड्डी है मुल्क की, यही है जो तरक्की के रास्ते लेके जाएंगे, यही है जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और हर इंस्टीट्यूशन में रोल प्ले करेंगे, ये हम उनको आगे लेके जाएंगे। जो स्कीम्स हमारी हैं, जिस तरीके से मैंने आपको कहा सोशल सेक्टर में हम ज़्यादा रिफॉर्म लेके आएंगे, हम वही स्कीम जो पनागाहें हमने बनाई थी उनको बढ़ाएंगे भी, उनको देंगे भी, क्योंकि हम पाकिस्तान को एक सिक्योरिटी स्टेट से ले जाते हुए हम वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट हो। अभी कराची कंपनी में मैसिव पुलिस का छापा लगा हमारी रैली के ऊपर, अभी जस्ट नाउ। हम हिदायत जारी कर चुके थे कि जो कैंडिडेट है जिस कंस्टिट्यूएंसी में जा रहे हैं, देखिए हमारा ये एहतजाज नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये तो रैलीज़ है, अपने कंपेन के सिलसिले में रैलीज है। तो कंपेन को जो इस्लामाबाद का कंपेन निकालेगा, अगर वो NA-46 का है तो NA-46 में ही निकालेगा, अगर NA-47 में लगाएगा, वो हर कैंडिडेट मुतालिका कैंडिडेट अपने ही अला कंस्टिट्यूएंसी में उस रैली को आप लीड करें। और ये कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन में भी है और ये हमारा राइट भी है, पहले भी ऐसा होता रहा है, आप उसके लिए जगह मुतय्यन करके लेके जाते हैं, वो अपने जो कंस्टिट्यूएंसी उसके किसी एक एरिया में निकालेगा, फौरन तरीके से डिस्पर्स होगा एट द एंड ऑफ द डे। अगर वो 0 पॉइंट से जाएगा तो वो हमने उसमें लिखा है, वो इंशाल्लाह आइंदा होगा, रिफॉर्म लेके आएंगे आइन में, इंशाल्लाह तरमीम होगी तो होगा। या एक दो क्वेश्चन
हम पहले रिफॉर्म्स लेके आएंगे फिर आपको कटअप देंगे, उसमें हमने लिखा है, वो उसमें हमने लिखा है, हमने 6 महीने लिखे हैं। बोलिए। इस मरतबा हमने आपको जो प्लान दिया हुआ है कि विद इन 6 मंथ्स हम करेंगे, बोलिए, तो आप बोलिए, देखेंगे हम 6 मंथ्स। वन एट अ टाइम। नहीं देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के हदायत के मुताबिक पहले दिन से चली आ रही है, हम इलेक्शन प्रोसेस का और इलेक्शन का बैलेटिंग का कोई बॉयकॉट नहीं करेंगे, जो मर्जी हो जाए। हम ऑन एंड ऑफ जब भी ज्यादतियाँ होगी वो आवाम के सामने लेके आएंगे, अदलिया के सामने लेके आएंगे, इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आएंगे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन आप मुमकिन बनाएं, लेकिन बाय ऑल मीन्स वी विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। इंशाल्लाह। नहीं देखो, ये इसको बेहतर बनाने के लिए एक तरीक़ेकार है, नथिंग रॉन्ग विद इट। और हमारे पास जो कैबिनेट बनेगी, कैबिनेट ही एमएनएज और सेनेटर से ही बन करके रहेगी, वो प्राइम मिनिस्टर होगा और वो प्राइम मिनिस्टर लेके आएगा। प्राइम मिनिस्टर को आपने अगर रिमूव करना है तो उसमें एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस मौजूद होता है, लेकिन वी वॉन्ट टू गो ताकि हर आवाम, हर शहरी का जो वोट है वो मैटर करे, पॉपुलर वोट जिसको मिले वो पॉपुलर वोट सर से बन के आ जाए। नहीं वो देखो, साइपर केस तो पाकिस्तान में ही चलाएंगे और पाकिस्तान में ही चैलेंज करेंगे। एक 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 चले सर, बस जारी कर रहे हैं, इसके बाद चल रहे हैं। वो देखो, वो हमारे जितने भी, मैंने पहले भी जिक्र किया आज कि जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं हमारे साथ बड़े लायल हैं और सख्त वक्त में हमारे साथ रहे और बड़े अरसे दराज से हमारे पास है, और ये सारे सियासी लोग हैं, इनका एक पॉलिटिकल करिया होता है और वो अपने पॉलिटिकल करिया को दाग दाग नहीं करने देते। पब्लिक भी एक रिसेंटमेंट होती हैं जब आप जाते हैं, तो इसलिए मेरे को उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि सारे हमारे कैंडिडेट हमारे साथ ही रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन। नहीं, एहतिसाब का अमल ही हमारे पास है, अकाउंटेबिलिटी होगी, इंटर अकाउंटेबिलिटी उस प्रोसेस का हिस्सा होगा। जो हमारे मार्शी हालात, ये अभी आपको देते हैं, जो मार्शी हालात है, आपके पास डिटेल चली गई, डिटेल चली गई है आपके पास, सब भेज दी जी, वो आपको भेज दिए, आपको इलेक्ट्रॉनिकली चली गई है सबको।